19 सितंबर 1965 की सुबह गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता बहुत तड़के ही उठ गए थे। 10 बजे उन्होंने एनसीसी की एक रैली को संबोधित किया, खाना खाने के लिए घर लौटे और दोपहर 1:30 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। जैसे ही वो अपनी पत्नी सरोज बेन, 3 सहयोगियों और गुजरात समाचार के एक संवाददाता के साथ हवाई अड्डे के टरमैक पर पहुंचे, भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट जहांगीर इंजीनियर ने उन्हें सैल्यूट किया। जैसे ही सब लोग विमान में बैठे, इंजीनियर ने अपना बीच क्राफ्ट विमान स्टार्ट किया। उन्हें 400 किलोमीटर दूर द्वारका के पास मीठापुर जाना था, जहां बलवंत राय मेहता को एक रैली को संबोधित करना था। उधर 3:30 बजे के आसपास पाकिस्तान के मौरीपुर एयरबेस पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट बुहारी और फ्लाइंग ऑफिसर कैस हुसैन से कहा गया कि भुज के पास रडार के संपर्क में आए एक विमान को चेक करें। कैस हुसैन ने बीबीसी को बताया कि मैं उस वक्त जहाज में बैठा हुआ था मौरीपुर में, तो जब वो सायरन बजा तो मैंने जहाज को स्टार्ट किया। जब मैंने बदीन स्टेशन से, जो हमारा रेडार स्टेशन है, उससे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 20,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास कीजिए और वहाँ से आप इस डायरेक्शन में आपने जाना है, और उसी हाइट पे मैंने इंडिया का बॉर्डर भी क्रॉस किया। उसके कोई 2-3 मिनट के बाद उन्होंने मुझे डिसेंट करने का हुक्म दिया, तो मैं डिसेंट करना शुरू किया। तो अल्टीमेटली कोई 3,000 फुट की बुलंदी पे जाते हुए तो ये जहाज जो था ये भोज की तरफ जा रहा था। तो 3,000 फुट की बुलंदी पे एक विलेज है मिठाली, शायद उसका नाम है, उसके ऊपर मैंने इसको इंटरसेप्ट किया। मुझे जहाज नजर आया और मैंने जब देखा कि ये सिविलियन जहाज है तो मैंने उस पे छूटते ही फायरिंग शुरू नहीं की, लेकिन मैंने रिपोर्ट किया कंट्रोलर को कि भाई ये तो सिविलियन जहाज है, और मैं इतना करीब किया उस जहाज के कि मैं उसका नंबर भी पढ़ सका, और मैंने उसको बताया कि ये विक्टर टैंगो, नंबर मुझे अब याद नहीं है क्या है, तो ये वो जहाज है और 8-सीटर है, और अब बताएं इसको क्या करना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जरा वेट करें। अब मैं वेट कर रहा था तो 3-4 मिनट गुजर रहे थे और मैं काफी लो हाइट पे था, 3-4,000 फुट की बुलंदी पे, तो मुझे फिक्र ये हो रही थी कि आई मे नॉट रन आउट ऑफ फ्यूल व्हाइल गोइंग बैक। 3-4 मिनट के बाद मुझे हुक्म आया कि आप इसको शूट कर दें। कैस ने तुरंत उस विमान को शूट नहीं किया, उन्होंने कंट्रोल रूम से दोबारा इस बात की तस्दीक की कि क्या वो वास्तव में चाहते हैं कि उस विमान को गिरा दिया जाए। मैंने कंफर्म किया कि जी आप वाकई इसको शूट करना चाहते हैं, तो कहने लगे हाँ इसको शूट कर दीजिए आप। तो मैंने उसके पीछे आके उसको निशाना लिया और निशाना लेके तो मैंने उसको शूट किया। पहली बारी में तो जब मैंने उसको छोटा सा मैंने बर्स्ट दिया तो मैंने देखा कि उसके लेफ्ट विंग से कोई चीज उड़ी है। उसके बाद ही केप्ट फ्लाइंग। उसके बाद फिर मैं वापस आया राउंड लेके, तो मैंने उसकी स्पीड अपनी स्लो की और स्पीड स्लो करके स्पीड ब्रेक निकाल के स्पीड स्लो करके उसके पीछे आराम से बैठ के तो मैंने उसको थोड़ा सा लंबा फायर दिया। तो फिर मैंने देखा कि उसके राइट इंजन से फ्लेम्स निकले और फिर उसने नोज ओवर किया, तो ही वेंट इनटू अ 90 डिग्री स्टीप डाइव टुवर्ड्स द ग्राउंड, और कुछ अरसे के बाद वो ग्राउंड हिट हुआ और वो क्रैश किया, और मुझे पता था जहाज में बहुत बड़ा बॉल ऑफ फायर था, तो आई न्यू एवरीबॉडी हैड बीन किल्ड। कैस बताते हैं कि शूटिंग से पहले उस विमान ने उन्हें बार बार संकेत देने की कोशिश की कि वो एक असैनिक विमान है। जब मैंने उनको इंटरसेप्ट किया तो उसके बाद उन्होंने उसी विंग्स को वैगल करना शुरू किया, जिसका मतलब ये था कि भाई हैव मर्सी ऑन मी। द रीजन बिहाइंड शूटिंग हिम वाज नॉट कि सिविलियन रेकर जो मिला उसको मार दो। मुश्किल ये थी डिसीजन लेने में कि जहाज तो सिविलियन है, लेकिन क्या ये बॉर्डर पे जो अप एंड डाउन जो फ्लाइंग कर रहे थे, क्या ये कोई तस्वीरें ले रहे थे, रेकी कर रहे थे, जिससे कि इंडिया कोई और फ्रंट खोलना चाहते हैं यहाँ पर। बलवंत राय मेहता जी का तो किसी को ख्याल भी नहीं आया कि वो और उनकी श्रीमती और उनके साथ को 5-6 और उनके स्टाफ के बंदे होंगे, और ना ही कोई ऐसा मीन्स था कांटेक्ट करने का रेडियो पे कि पता चलता कि उसके अंदर जहाज के अंदर वाकई कौन है कौन नहीं है। पीवीएस जगनमोहन और समीर चोपड़ा ने अपनी किताब द इंडिया पाकिस्तान एयर वॉर ऑफ 1965 में लिखा है, नलिया के तहसीलदार को क्रैश साइट पर भेजा गया। वहाँ उन्हें गुजरात समाचार पत्र के एक पत्रकार का जला हुआ परिचय पत्र मिला। कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। मसलन, जहाज को लड़ाई की जगह पर बिना किसी एस्कॉर्ट विमान के क्यों जाने दिया गया? क्या जहाज भारतीय वायुसेना की जानकारी के बिना वहाँ गया? पाकिस्तान के उड्डयन इतिहासकार कैसर तुफैल लिखते हैं,
भारत और पाकिस्तान दोनों ने 1965 और 1971 की दोनों लड़ाइयों में सैनिक कामों के लिए सिविलियन जहाजों का इस्तेमाल किया था, इसलिए हर विमान की सैनिक क्षमताओं का आकलन किया जा रहा था। सिर्फ संयुक्त राष्ट्र और रेडक्रॉस के विमानों में उनकी पहचान बड़ी बड़ी दिखाई देती है। उस समय के उड्डयन कानूनों में इस तरह की गलती न करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। 1977 में कहीं जाकर इसे जिनीवा कन्वेंशन का हिस्सा बनाया गया। उसी शाम 7 बजे के बुलेटिन में आकाशवाणी ने घोषणा की कि एक पाकिस्तानी विमान ने भारत के सिविलियन जहाज को गिरा दिया है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री सवार थे। जहाज के पायलट जहांगीर इंजीनियर का परिवार उस समय दिल्ली में रहता था। उनकी बेटी फरीदा सिंह याद करती है। हम लोग दिल्ली में थे और हमारे अंकल जो थे वेस्टर्न कमांड एयरफोर्स में थे, ही वाज एयर मार्शल इंजीनियर, और उनको सब पता लगता है कि क्या क्या हो रहा है, कौन मर गया कौन गया। उसने तुरंत फोन किया हेडक्वार्टर से, दिल्ली से, हमको दिल्ली में फोन किया कि आपका पिताजी, सॉरी, हमारे भाई और आपका पिताजी अभी नहीं रहा। फिर आस्ते आस्ते कहानी निकल गया, पेपर्स में निकला ये वो कि सिविलियन प्लेन शॉट डाउन हो गया। इंजीनियर के पूरे परिवार के लिए ये हादसा एक तरह से वज्रपात की तरह था। जब इस दुर्घटना के और विवरण सामने आए तो उन्हें और दुख हुआ। डैडी ने 45 मिनट्स फ्लाई कर रहे थे टू अवॉइड द प्लेन दैट इज शैडोइंग हिम, क्योंकि वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हीरो था, वो तो खुद ही चलाता था। और उसको एक चीज समझ में आते थे, ये कि जो एक उसका एडवांटेज था, अगर यू लुक एट इट एज अ बैटल, एडवांटेज ये था कि जो छोटा प्लेन्स उसके जो पेट्रोल है वो ज्यादा है, जो फ्यूल है वो ज्यादा है, और इन ही नोज दैट ये शायद सेबर जेट थे उनके कम, तो उसने अवॉइड करके ऊपर नीचे इधर उधर अवॉइड करके इतनी स्लो प्लेन में, और कैसे सैन उसको नहीं मार सकते थे, उसका पेट्रोल खत्म हुआ था किसके, कैसे सैन के जो उसको आक्रमण कर रहे थे, और ही शॉट हिम डाउन और एम्प्टी टैंक लेके पाकिस्तान वापस गया। तो ये आप बोल सकते हैं कि डैडी ऑलमोस्ट मेड इट। इसके बाद इस घटना पर कोई खास चर्चा नहीं हुई। कैस हुसैन भी इस ट्रेजेडी को अपने दिल में भरे चुपचाप रहे। 46 साल बाद पाकिस्तान के एक अखबार में उड्डयन इतिहासकार कैसर तुफैल का एक लेख छपा, जिसमें उन्होंने इंजीनियर के विमान को युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति देने के लिए भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को जिम्मेदार ठहराया। तब कैस ने यह तय किया कि वो भारतीय विमान के पायलट की बेटी फरीदा सिंह से संपर्क कर इस हादसे पर अपना अफसोस प्रकट करेंगे। वो ऐसे कि फरवरी 11 में मेरे कलीग हैं कैसर तुफैल ने कहा कि सर ये एक स्टोरी ऐसी है जिसका के किसी को कुछ पता नहीं है और इसका कोई आई विटनेसेस भी नहीं है सिवाय आपके अपने के, तो मैं इस पे आपका एक राइटअप करना चाहता हूँ, आपकी रिपोर्ट लेना चाहता हूँ। तो खैर कैसर तुफैल से मेरा इंटरव्यू हुआ, उसने वो फिर ये डिफेंस जर्नल पाकिस्तान में अप्रैल में वो आर्टिकल भी छपा इनका। तो उसके बाद कैसर ने मुझे कुछ रिपोर्ट्स भेजी जो कि उन्होंने जगन पिलारा सेठी से लेके, तो उनसे काफी कलेक्ट की थी, रिसर्च की थी। उन रिपोर्ट्स में एक रिपोर्ट थी आपकी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट थी, तो उसमें कहा गया कि जी जहाज लैंड कर चुका था और दो पायलट थे पाकिस्तानी, उन्होंने उसको स्ट्रैफिंग की और जमीन पे उनको ऐसे मारा गया। तो मुझे उस वक्त दुख हुआ, मैंने कहा यार कि इतने अरसे से ये जो फैमिलीज हैं इनको यही पता है कि यू नो ये इनके जो लोग थे ये इस तरह से मारे गए। तो मुझे एक इस्तराब सा हुआ कि मैंने कहा कि यार ये आई शुड एटलीस्ट फाइंड दीज फैमिलीज और सम ऑफ देम, और उनसे मैं असल वाक्या बताऊं कि असल वाक्या हुआ क्या था। फिर मैंने 5 या 6 अगस्त 2011 तो मैंने उनको एक ईमेल लिखी जिसमें कि मैंने सारा किस्सा बयान किया, और मेरे उसमें लफ्ज ये थी कि मैंने कहा कि देखें लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन एनी वे इज अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर एंड आई एम नो एक्सेप्शन टू इट एंड आई फील सॉरी फॉर यू एंड योर एंड द अदर फैमिलीज हु लॉस्ट देयर डियर वंस। मैंने ये भी लिखा कि मैंने कहा अगर मुझे कभी मौका मिला मैं ताला खुद भी हाजिर होकर आपसे उसकी कंडोलेंस करूंगा। तो माफी मांगने का तो भाई उसमें कोई उसमें वो है ही नहीं, क्योंकि जब एक फाइटर पायलट अंडर ऑर्डर्स होता है तो दो सूरतें होती हैं, अगर वो मिस करता है तो वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है कि क्यों मिस किया, भाई वाई यू नॉट सो प्रोफेशनल, और अगर वो जान के नहीं मारता तो ये कोर्ट मार्शल ऑफेंस है कि यू डिसोबेड द ऑर्डर्स, और आई वाज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज टू एलिगेशन।
उधर फरीदा सिंह को पता चला कि वो शख्स जिसने उनके पिता के विमान को गिराया था उनसे संपर्क करना चाह रहा है। कुछ महीने पहले एक दो जो कनेक्शन एयरफोर्स में हमारे एयरफोर्स के उसने बताया हमको, लिखा कि एक है जो आपको ढूंढ रहा है। तो मैंने बोला कौन है, तो उसने बोला है ये है वो इंसिडेंट हुआ जो था वो उसका पायलट। तो मेरे को झटका मिला बिकॉज यही बात है कि इट मे बी 46 years बट वो मेमोरीज था है? तो मैंने हेजिटेट किया, क्या सुनना है मेरे को, मेरे को पिताजी के डेथ के बारे में नहीं सुनना है, अगर आपके दिल में है तो आप प्लीज उसको एक्सेप्ट कर। तो मैंने बोला है डैडी के लिए मैं करती, लेकिन मैं तो रेगुलरली ईमेल नहीं खोलते हैं उन दिनों में। फिर मेरे फ्रेंड ने मेरे को फोन किया, बताया कि फरीदा एक इंडियन एक्सप्रेस में आपके नाम है। तो मैंने बोला क्यों, बोला किसी ने पब्लिश किया वो लेटर। आई सेड आ गया लेटर। तो मैंने तुरंत जाके ईमेल देखा और मैंने उसी टाइम बैठ के उसको, मैंने एक मिनट हेजिटेट नहीं किया क्योंकि किसी ने लिखा है और मैं रिस्पॉन्ड ना करूं। फरीदा ने तुरंत कैश के ईमेल का जवाब दिया। उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। उसके बाद मैंने कहा जी कि आई मूव वन स्टेप एंड शी मूव्ड मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड यू नो। फरीदा कहती है कि उन्होंने कैश के ईमेल का इसलिए तुरंत जवाब दिया क्योंकि उनकी नजर में उनके पत्र में कोई लाग लपेट नहीं था और वो तहे दिल से लिखा गया था। एक चीज था जेन्युइन था, बहुत जेन्युइन था। दूसरा ये बात है कि दुख था और तीसरी अनश्योर था कि रिसेप्शन क्या होगी हमसे फैमिली से, क्योंकि आई से इट वाज एन एक्ट ऑफ वायलेंस अग्रेशन डेथ। तो जो इनोसेंट फैमिली था उसके क्या रिएक्शन होगी। उसने लिखा है कैसो सैन ने कि आई डिड नॉट वॉन्ट टू शूट दैट प्लेन डाउन। ये बहुत बड़ा बात है, बस वो एक चीज बहुत बड़ा बात है क्योंकि उसके दिल में इतना एंटी माय फादर ने थे, ये वॉर था। और उसके बाद ये 46 इयर्स लेटर क्यों हमको लिखा है ये अभी तक मेरे को आई एम सरप्राइज्ड। और एक और चीज कि एनिमिटी है, बहुत एनिमिटी है, तो कोई उसके ऊपर मलम डाले, अगर मलम डाल सकते आपके आपके हाथ में है ना, किसी ने हमको मौका दिया तो अगर थोड़ा सा उसको रिड्यूस करे तो करना चाहिए। उसने फर्स्ट लिखा, अब मेरे चांस है, मैंने लिखूंगी कुछ डिस्टर्बिंग थी चीज नहीं। मैंने बोला एक मिनट के लिए भी नहीं है कि हमने सोचा है कि ये पायलट का दोष है। पायलट वॉज फाइटिंग अ वॉर, ये वॉर था और बड़े अच्छे लोग भी वॉर में बदलते हैं या have to do things which are not right, not good. तो हमने नहीं सोचा है कि पायलट की दोष है, हाँ वॉर की दोष है, यही हम सोचा है। तो मैंने लिखा ये और we are only pawns in the game of war. और मैंने उसको लिखा है I hope you find peace. रेहान फजल, BBC दिल्ली।